और मारा देसी मत, बस खान खान की बात हो। बेबी बेबी को फर्स्ट टाइम दूध पिलाया। ट्रिपल नाइन ने फोन करेगी। सारी दुनिया में मन लागे दादा दादी, सारी दुनिया ते प्यारे मन लागे दादा दादी। गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह सुबह चाय पी रहे हैं, आज हेल्थ वर्कर की विजिट थी तो हम चाय में थोड़ा सा लेट हो गए। एक घंटा वो आके सब कुछ बता के गई, क्या करना है, कैसे करना है। वहाँ पे हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे बेबी के पास में, और बेबी को कैसे क्या क्या केयर कर सकते हैं, उनके जो भी होते हैं उनके नोट्स वगैरह, उनके जो बुकों में लिखा होता है वो सब कुछ बता के जाते हैं। बाकी सब तो बता के जाए, न्यू ना बता के जाए, के खाना चाहिए के ना खाना चाहिए। और मारा देसी मत, बस खान खान की बात हो। गूंद खाओ, लड्डू खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसी कोई बात नहीं होती इनके पास खाने पीने के बारे में, जीरो टॉक्स। क्योंकि इनके यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि ये मत खाओ और वो मत खाओ। हाँ, तो बस इनकी बस रिस्ट्रिक्शन ये है, बच्चे के कपड़े ज्यादा मत उड़ाओ, गर्मी लाई जाएगी, ठंड लाई जाएगी, इस टाइप की बातें हैं। और कदे कपड़ा अपने मुंह पर ना गिर ले, और खाने बच्चे के खाने पीने से थोड़ा सा रिलेटेड है, उसके क्या क्या इंजेक्शन लगने हैं, क्या क्या वैक्सीन होनी है, डॉक्टर पे रजिस्टर होना है, ये सारी बातें इनके पास। बच्चे का वेट चेक कर ले हैं, बच्चे ने कितनी नापी होती है, कितनी बार पॉटी करी, मतलब कितने फूफू करी, कितना खाया, ये सब बातें हैं। और वेट चेक कर लेते हैं, उससे ये पता चल जाता है कि बच्चा खा पी ठीक रहा है, हेल्थ वाइज मेंटेन हो रही है। जब बच्चा पैदा होता है फर्स्ट वीक जो वेट करते हैं उसमें थोड़ा सा डाउन जाता है 200 ग्राम ऐसे कुछ, उसके बाद बच्चा पिकअप करना शुरू हो जाता है ऊपर की तरफ। पर ये फिर से रिड्यूस करेगी एक महीने या कुछ के बाद। क्यों? बच्चा फिर ग्रोथ लेने लगता है ना थोड़ी सी, तो ग्रोथ लेगा तो वेट थोड़ी रिड्यूस होगा। वैसे ऐसा है शायद, मैं देख के बताऊंगी। वैसे शायद पतला हो सकता है लेकिन वेट तो बढ़ेगा ही ना ग्रोथ में भी। तो इसका प्रॉपर चार्ट है वेट का, हाइट का, हेड के साइज कैसे बढ़ना चाहिए, पूरा चार्ट है। उस चार्ट के बीच में मेंटेन होना चाहिए। बस तो मिडवाइफ ने आके, मिडवाइफ ने जो हेल्थ वर्कर थी उसी ने आके हमें जगाया। हम कल बात भी कर रहे थे कि वो क्या आके चेक करेगी, लेकिन पहली विजिट है, चेक क्या करेगी, वो आके हमें बताएगी। नेक्स्ट टाइम वो चेक करेगी कि जो चीजें मैंने बताई थी उसने जो बताई हैं वो हमने फॉलो की हैं या उसके अकॉर्डिंग हमने चीजों को एडजस्ट किया है नहीं किया। अगर तब नहीं करते तब शायद वो थोड़ा सा वार्निंग वगैरह दे सकते हैं कि भाई पिछली बार ये बताया था, तुम इस चीज में नहीं मान रहे हो। तो मैं नहा धो के तैयार हो गया हूँ, मैं और पारुल कहीं जाने वाले हैं अभी कुछ काम से। उसी के साथ पारुल नीचे आ गई। हेलो, हाउ आर यू? गुड, एंड यू? वेरी गुड। दादू ने बेबी को फर्स्ट टाइम दूध पिलाया तो दादू को बोला ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, दादू वाज लाइक अच्छा ठीक है। दादू वाज सो एक्साइटेड एंड ही वाज डूइंग इट वेरी गुड, और साथ के साथ ही वाज वेरी एक्साइटेड। एंड अभी वो फिर से लेगा, कहता अच्छा हो गया ना सब कुछ, अब दे दो मुझको। ही डजंट वांट एनीवेयर टू होल्ड। आज दादू दादी को पता चलेगा ये बच्चे और दादी ज्यादा मार देगी। मैंने खा लिया, मम्मी थोड़ी सी कॉफी पी ली और हलवा खा लिया है। अब हम जा रहे हैं बाहर, कुछ सामान लेके आना है प्लस कुछ दो चार काम करने हैं। हम जाने से पहले ही थक गया मैं तो, नींद आने लगी खा के हलवा, नींद से आने लगी, नींद चढ़ गई। तो पारुल कह रही है मेरा मन नहीं लगेगा बच्चे के बिना वैसे तो, लेकिन हम मम्मी पापा कह रहे हैं ना बच्चे को नहीं लेके जाना, जो मैं काम करना है जाके करो अपना। वैसे भी हाँ, ना खोलेगी देखी दादू है के फिर बंद कर लेगी। लड़ाई तो मम्मी साथ करया करे ना। हेलो एवरीबॉडी, सो अभी क्या है, अभी मैं और रोहित बाहर आए हैं, बेबी दादू दादी के पास है जैसे हमने आपको पहले ही बताया था। तो दादू दादी टेक केयर कर रहे हैं, मैंने हम लोगों ने बीच पे कॉल किया था तो वो सो रही थी। पर अभी हम लोग क्या कहाँ आए हैं, अभी हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग के लिए आए हैं क्योंकि कल बेबी का हवन है और नामकरण भी है। तो क्विकली हम लोगों ने शॉपिंग कर ली है और ग्रॉसरी वगैरह खरीद ली है और अब हम लोग घर के लिए जाने लगे हैं। ऑल डन। जैसा लग रहा है बेबी नहीं है पारुल, मेरे को बार बार ऐसे हो रहा है कि ना समथिंग इज मिसिंग। मतलब आपने कभी मुझे इतनी जल्दी जल्दी निकलते हुए देखा है किसी मार्केट से? नहीं, पारुल नॉर्मली किसी भी मार्केट किसी भी शॉप में जाते हैं तो वहीं पे ही बिस्तर लगा के बैठ जाती है, हर चीज धीरे 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 देखती है। तो मेरा ये है, मैं जल्दी जल्दी शॉपिंग करके वहां से निकलने की कोशिश करता हूँ और
मैं पारुल को भी धक्का मारता था, जल्दी चल जल्दी चल, नहीं तो अगर तेरे को रुकना है तो रुक जा, मेरे को पहले बता देती, इस टाइप से ना रहता है हमारा। और उसी के साथ सारी शॉपिंग हो गई है रोहन की, बाकी मिठाइयाँ फ्रूट वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग इज ऑल सेट फॉर द हवन टुमारो। एंड बस अब कल नच्ची के आने की और हमारी फैमिली मेम्बर्स के आने की वेट है कि वो लोग आएंगे और हम लोग हवन करेंगे, बेबी का नाम रखेंगे। फाइनली कल हम उसको नाम दे रखेंगे और हम लोग बेबी बेबी नहीं उसको उसके नाम से बोलेंगे। तो कल तीन चार नाम है, उसमें से हम लोग डिसाइड करेंगे फैमिली के साथ कि कौन सा नाम रखना है। और थैंक यू आप लोगों ने जो सजेशंस दी थी नाम की, बहुत अच्छी थी। उसमें से ही हम लोगों ने कुछ कुछ नाम सजेस्ट लिए हैं और उसी में से हम लोग बच्चे के नाम रखेंगे। बस इतना ही है। और इसी बीच में मेरा मोबाइल भी खो गया था, मैं जल्दी जल्दी कर रही थी और मेरा मोबाइल खो गया था, लकीली मुझे मेरा मोबाइल मिल गया। तो बस यही है, अभी हम लोग घर जा रहे हैं, वेदर तो बहुत ख़राब है। और चलो पापा जल्दी चलो, बेबी इज़ वेटिंग फॉर अस। गला भी खराब हो रहा है बेटा, कुछ पानी शानी कुछ खा ले पी ले। मेरे को फिर से खराब, मेरी तबीयत खराब हो गई है। मैंने मिडवाइफ को बोला था, उसने बोला था आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा एक बारी बात कर ले। मैंने तो ठीक है, शायद कल या तो हवन के बाद चलते हैं। हवन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद हम शायद हॉस्पिटल जाके आएंगे, पारुल को चेकअप करा के लाएंगे कि क्या बार बार तबीयत खराब क्यों हो रही है। एंटीबायोटिक्स होने के बावजूद भी ये बार बार तबीयत खराब होना इज नॉट गुड साइन। तो बस चलो अभी हम लोग रोहित गाड़ी चला रहे हैं, वेदर खराब है, तो अब हम आपको घर पहुंच के मीट कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? बेबी से मिलवाते हैं, बेबी क्या कर रहा है घर पे। वो कुछ पारुल कुछ बताने वाली थी लेकिन उसने बताया नहीं। ये कहने वाली थी कि दादू इतनी ज्यादा केयर कर रहे हैं, वो दादी को भी कह रहे हैं कि आई विल लुक आफ्टर डोंट वरी। हाँ, दादी को भी पास नहीं आने दे रहे। मैंने फोन किया था, मैंने दादी को फोन किया पूछने के लिए कि वो सो गई क्या, क्या कर रही है, तंग तो नहीं कर रही? तो दादी कह रही है मेरे को नहीं पता, दादू ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है और मेरे को भी नहीं कह रही, मेरे को भी कह रहे हैं यू रिलैक्स आराम करो, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दादू इज एंजॉयिंग, तो वह सब घर जाके देखते। तो अभी हम घर पहुंचे हैं यहाँ पे। मम्मी कैसा रहा तुम्हारा दिन? हमारा तो बढ़िया रहा। तो बच्चा कैसा था? बेबी कैसी थी? बेबी अच्छी थी, गुड थी बेबी, गुड बेबी थी। दादी दादू के साथ तो ठीक ही रहा है? दादू ने खिलाई मतलब बह गई थी तो उठी, सुती थी उठ गई बीच में, दादू ला रहे थे पचर मले दूध लिया, तब दूध लिया दूध कौन सा यो तो ना पिया दियो मैं सालो ना भाई सालो तो कौन पे होगे उसकी नेपी साफ करी, उसकी नेपी तेव करे दूंगा नेपी के लिए। पहले को नहीं हो रहा के तो बता, मैंने लोग गड्डी मार रहा सुन जिधर दूध पे था और सो की थोड़ी बार हमने देख लिया तो के बार बार नहीं होगा था, गड्डी तो अपनी आ रही है कोई बार हो गई तो हम के करो था गड्डी। मम्मी मुझे लग रहा है पापा आ रहे हैं, बेबी के पापा आ रहे हैं, बेबी के पापा आ रहे हैं, नीचे से आ रहे हैं वही बतौल लिया होगा। ओहो हो लग लग क्या ये लो भाई, पूरी रात का जुगाड़ है। दो तीन ये 12 बजे का, ये 3:30 का, वो जो आप 12 बजे का बोल रहे हो वो अभी उठेगी और अभी लेगी। दिन में को मांगी उन्होंने तो एक का मांगी, डर रही थी यार किस तरह की आज। अच्छा मम्मी आज का दिन कैसा था आपका बीबी के साथ? बहुत बढ़िया था, इसको बहुत अच्छा दिन था। बेबी नहीं हो रहा है जब मासूद दी बेबी है तो किम कहे को नहीं, प्यारी बेबी है दादू की प्यारी बेबी है, दादू की प्यारी बेबी है क्या, तो किम कहे को नहीं, तामनी भी बदनाम कर रहा छोरी ने, ऐसे बोला दादू ने, दादू ने बोला ऐसा, प्यारी बेटी है या तो भाई प्यारी से बोले बेचारी किम बोल रहे को नहीं, खेल ले सोती है, खेल ले सो जाए है करो है ना कि मैं बोल रहा है ना हां तो वो लगा दी कृष्ण की आरती हां सुनी गई नहीं कर कर मैं वही तो मैं कह रही हूँ ये गाना की सुनती है क्योंकि मैंने पूरी प्रेगनेंसी गाना ही सुना है ना, कृष्ण की आरती लगा दी यार ने ये सीधा हमने सुना तो कल भी तो मैंने कृष्ण की लगाई थी ना रात में
हॉस्पिटल में फोन कराएगी कि एम्बुलेंस बुलाएगी। अच्छा फिर फिर मैं सोचे सर्च करती होगी कि भाई बच्ची बच्चा रोए तो क्यों होता है रात को ना बार बार रो ही रहा है। मैं गूगल करती होगी पछे गाना लाया मम्मी कही होगी सोचे बेटा दिन का काम बेटे का रात का काम बहुत संभालो अपना।